अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। कि अगर तू दो चार बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त, ये कलयुग है, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी। आज के दौर में लोग मोटापे यानी कि ओवरवेट से भी परेशान हैं और पतलेपन यानी कि अंडरवेट से भी परेशान हैं, जिसकी वजह आजकल हमारे भोजन की गुणवत्ता यानी कि फूड क्वालिटी का खराब होना है। कम वजन यानी कि अंडरवेट होने से बहुत सारे लोगों को नौकरी में, शादी में, लोगों के बीच जाने में, मनपसंद कपड़े पहनने में, दिन भर के काम करने में बहुत परेशानी आती है, जिसके कारण वो बड़े ही निराश रहते हैं। इसी निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन के चलते वो दबाव यानी कि मेडिसिन और स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं, जो कि फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। दबाव का काम होता है बीमारी का इलाज करना। जब आप बीमार है ही नहीं तो आप दवा क्यों लेते हो? इस पतलेपन यानी कि अंडरवेट का कारण है आपका उचित आहार ना लेना और आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सही ना होना, जिसके कारण वो आपके भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन को आपके शरीर में जाने नहीं देता। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, किंतु वो भी सही आहार और सही व्यायाम यानी कि प्रॉपर एक्सरसाइज के माध्यम से अपने दुबलेपन और शारीरिक कमजोरी यानी कि वीक बॉडी को सही कर सकते हैं। एक रूल है कि अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपका कैलोरी इन इज ग्रेटर देन कैलोरी आउट होनी चाहिए, यानी कि आपको अपने डाइट में कैलोरी की मात्रा बढ़ाना होगा। हम लोग पूरे दिन जो भी खाते हैं इन सब से कैलोरीज मिलते हैं, और हम लोग जो काम करते हैं जैसे कि बैठना, चलना, एक्सरसाइज करना, इन सब में ये कैलोरी खर्च होते हैं। अब आपके बॉडी में कैलोरीज की मात्रा बढ़ाना है तो कुछ भी खा लो, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, इन सब में तो बहुत ही कैलोरी होती है, तो क्या पिज्जा बर्गर खाकर कैलोरीज की मात्रा बढ़ाना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से वेट गेन करने का मतलब है बॉडी में मसल गेन करना, ना कि फैट गेन करना। अब मसल कैसे गेन करें? नमस्कार, मेरा नाम है धीरज कुमार शाह, मैं एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अपना करके आप बड़े ही आसानी के साथ और बिना किसी नुकसान के अपना वजन बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वजन बढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और आप अपना पूरा शरीर का मुआयना यानी कि फुल बॉडी चेकअप करवाइए, जिसमें यह पता चलेगा कि कहीं आपका दुबलापन किसी बीमारी के वजह से तो नहीं है, और डॉक्टर फिर उसी के निर्देश अनुसार दवाई देगा। वजन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पेट की पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको अपना पाचन तंत्र सही करना होगा, क्योंकि जब आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा तो जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को पूरा पोषण देगा और आपके शरीर को लगेगा, जिससे आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ाने के लिए कभी भी अनहेल्दी और जंक फूड का सहारा ना लीजिए। हो सकता है कि ये आपका वजन बढ़ा दे, लेकिन इसके साथ साथ यह आपको काफी सारी बीमारियां भी दे देंगे, जैसे कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाएगी, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, शुगर की परेशानी हो जाएगी, दिल की परेशानी जैसे कि ब्लड प्रेशर का असंतुलित हो जाना वगैरह वगैरह बीमारी आपको लग सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप अतिरिक्त कैलोरी यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरी लेंगे तो आपका वजन बढ़ने लगेगा, इसका मतलब ज्यादा खाने से है। तो आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह भी सही तरीका नहीं है। सिर्फ खाना अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप रोजाना वर्जिश नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, आपका पाचन तंत्र सही से उस खाने को नहीं पचा पाएगा, और इससे भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ वजन बढ़ाने के लिए कुछ आसान तरीके, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप इजीली अपना वजन गेन कर सकते हो। अपने दैनिक कार्यों में व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज को शामिल करें। व्यायाम में आपका सुबह के सैर, योग करना, घर पर काम करना और जिम में व्यायाम करना हो सकता है। शहद यानी कि हनी वजन बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है। इसका प्रयोग वजन बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस लेने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। सुबह की सैर के बाद खाली पेट एक चम्मच शहद दूध में डालकर पिए। इससे कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वजन कम करने के लिए रोजाना सुबह शहद को पानी में मिलाकर लेना चाहिए। व्यायाम करने के बाद प्रतिदिन 2 से 4 केले अपने तासीर अनुसार खाने चाहिए। केला वजन बढ़ाने का सबसे सेहतमंद तरीका है। कुछ लोगों को केले से बदहजमी की शिकायत हो जाती है, तो वह लोग एक केले से शुरू कर सकते हैं।
और रोजाना सोने से पहले त्रिफला ले, जिससे दर्द हजमी और कब्ज की परेशानी नहीं होगी। अंडा, अंडा भी वजन बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। अंडा खाने का तरीका यह है कि आप रोजाना 3 से 5 अंडे तक खा सकते हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ एक ही अंडे का पीला वाला भाग खाना है और बाकी अंडे का सिर्फ सफेद भाग खाए, उसका पीला वाला भाग हटा दे। किशमिश, किशमिश भी शरीर को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। आप रात को थोड़ी सी किशमिश पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह दूध के साथ भली प्रकार चबा चबा कर खाइए, इससे भी आपका वजन बढ़ेगा। नेचर ने हमें बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियां दी है जो हमारे शरीर को सेहतमंद रखने में हमारी मदद करते हैं, जिसमें से एक है अश्वगंधा। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा पौष्टिक, बलवीर्य वर्धक और हमारे शरीर को बल देने के लिए सबसे अधिक उपयोगी और सबसे ज्यादा फायदे देने वाली जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी है। इसके सही प्रयोग से आप अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हो, अपने शरीर को सेहतमंद बना सकते हो। इसी प्रकार शतावरी भी एक जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। शतावरी वैसे तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही उपयोगी और फायदेमंद जड़ी बूटी है, फिर भी ये स्त्रियों यानी कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से गुणकारी और उपयोगी है। इन दोनों को यानी कि अश्वगंधा और शतावरी को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लीजिए और इसका सुबह शाम 6 से 7 ग्राम तक लीजिए। पुरुष केवल अश्वगंधा का चूर्ण ले सकती है और महिलाएं केवल शतावरी का चूर्ण भी ले सकती है, तभी ये कुछ ही समय में आपका वजन बढ़ा देंगे। घी का प्रयोग, घी भी वजन बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है, किंतु घी का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। आप घी का प्रयोग कई तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिए। इसके प्रयोग से आपका वजन तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका पाचन तंत्र भी सही होगा। आप इसका प्रयोग खाने के साथ भी कर सकते हो। वजन बढ़ाने के लिए आप पौष्टिक लड्डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से वजन बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। खजूर यानी कि डेट्स वजन बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। खजूर के मौसम में इनको दूध में उबाल करके पीजिए, इससे आपका वजन बढ़ेगा। भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। दालों में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है। पनीर भी प्रोटीन की एक अच्छा सोर्स है और सोयाबीन भी। आप प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आम खाकर दूध पीने से भी वजन बढ़ता है। आम विटामिन और खनिजों से भरपूर एक रसदार फल है। आम का जूस बनाकर पीने से भी वजन बढ़ता है। दूध और दूध से बने डेयरी उत्पादक के प्रयोग से भी वजन बढ़ता है, जैसे कि दही। दही में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है। रोजाना खाने में दही खाने से वजन बढ़ाने में सहायता मिलती है। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और अंजीर जैसे मेवों को भूनकर खाने से भी वजन बढ़ाने में काफी मदद मिलता है। वजन को बढ़ाने के लिए हर रोज दूध में सूखे मेवे को उबालकर पीनी चाहिए। मूंगफली की मक्खन यानी कि पनीर बटर में भी उच्च कैलोरी और पौष्टिक तत्व होते हैं। नाश्ते में मूंगफली का मक्खन खाने से भी वजन बढ़ता है। जितना जरूरी खाना और व्यायाम यानी वर्जिश करना होता है वजन बढ़ाने के लिए, उतना ही ज्यादा जरूरी सोना भी होता है। रोजाना कम से कम आपको 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, और 8 घंटे अगर नहीं मिल सकते तो 6 घंटे की नींद लेना तो बिल्कुल जरूरी है। इसके साथ साथ केला भी वजन बढ़ाने में बहुत ही सहायक और बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप रोजाना सुबह में 1 गिलास दूध के साथ 1 या 2 केले का सेवन लगातार करते हो तो 3 महीने के अंदर अंदर ही आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ और बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना कोई नुकसान के आप अपना वजन बढ़ा सकते हो। केले और दूध के द्वारा बढ़ाया गया वजन कभी भी बाद में कम नहीं होता है। अगर आप कोई सप्लीमेंट या कोई कैप्सूल या कोई मेडिसिन लेते हो वजन बढ़ाने के लिए, तो जब तक आप उस मेडिसिन का यूज करेंगे तब तक आपका वजन बढ़ता रहेगा, लेकिन जब भी आप उस मेडिसिन को यूज करना छोड़ देंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप केले और दूध की सहायता से अपना वजन बढ़ाते हैं तो वह वजन आपको हमेशा रहेगा। चाहे आप केला और दूध पीना छोड़ दे, उसके बाद भी आपका वजन बरकरार रहेगा। तो चलिए आखिर में फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वेट गेन करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। नंबर 1, अभी आप जितना खाना खा रहे हो उससे बस थोड़ा सा खाना आपको बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, और जितना हो सकता है आपसे उतना खाना आपको बढ़ाना है। नंबर 2, मसल को बढ़ाने के लिए और फैट को घटाने के लिए हर रोज थोड़ा बहुत स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना है। नंबर 3, खाने के लिए लार्जर प्लेट यूज करो, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि प्लेट की डायमीटर हमारी फूड सेटिस्फेक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। मतलब छोटे प्लेट में खाना खाने से आपको कम खाना के बाद भी आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है, और बड़े प्लेट में खाना खाने से इसका बिल्कुल उल्टा। तो इसीलिए आपको ज्यादा खाना खानी है, इसीलिए आपको लार्जर प्लेट को यूज करना चाहिए।
नंबर 4, खाने से पहले कभी भी पानी मत पियो, क्योंकि इससे आपको जितना कैलोरी की जरूरत होती है उतना कैलोरी आप नहीं खा पाओगे। नंबर 5, आपको अपने डेली डाइट में बनाना, ईग, फिश, मिल्क, मसूर दाल इत्यादि को ऐड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहे। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आ, दबा दिया, आगे बोलो।